बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और उसमें हमने ख़ास तौर पर साइक्लिक ग्रुप्स की थ्योरी को बड़ी डिटेल के साथ अच्छी तरह से समझ लिया है। साइक्लिक ग्रुप्स के बाद हमने परम्यूटेशंस की बात की थी और परम्यूटेशंस का जो ग्रुप है जिसको सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं उसको स्टडी किया था और ख़ास तौर पर हमने फाइनाइट सेट्स से जो परम्यूटेशंस बनती है जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन बोलते हैं और इसे एस एन के साथ डिनोट करते हैं वो भी स्टडी किया था। इसकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर ली हैं। अब हम एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री एक ख़ास किस्म का फंक्शन है और जिस तरह के नाम से जाहिर है कि सिमेट्री जो है जिस अगर ये सिमेट्री हमें ये बताती है, सिमेट्री एक ऐसा फंक्शन होता है रफली स्पीकिंग कि ये जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो एज ए आउटपुट हमें ये उसी तरह की एक चीज़ वापस मिल जाती है, ठीक है, रफली स्पीकिंग। तो इस तरह के फंक्शन को हम सिमेट्री बोलते हैं। तो इसमें इसकी ना सिर्फ मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंस है बल्कि दूसरी साइंसेज में भी, इंजीनियरिंग में भी, ख़ास तौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, आर्ट्स में भी, आर्किटेक्ट में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिमेट्री को। केमिस्ट्री में भी इसकी बड़ी एप्लीकेशन है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे सिलेबस में भी शामिल है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। और सिमेट्रीज का जो ग्रुप के साथ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है और इसके बगैर ग्रुप थ्योरी जो है वो अधूरी है। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ग्रुप थ्योरी जो है वो है सिमेट्री की स्टडी है सारी की सारी, अगर सिमेट्री ना होती तो हम ग्रुप थ्योरी को स्टडी ना करते। तो हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे सिमेट्री की, और फिर सिमेट्री पे जाने से पहले हमें आइसोमेट्रीज को स्टडी करना पड़ेगा, आइसोमेट्रीज क्या होती हैं, और फिर हम जो है ग्रेजुअली सिमेट्री तक पहुंच जाएंगे। तो ये टॉपिक तो आगे तीन चार लेसन्स तक ये टॉपिक जारी रहेगा, इसके बारे में तफसील से काफ़ी चीज़ें हमने स्टडी करनी है, लेकिन इस लेसन में मेरा ख्याल है हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन तक पहुंच सकेंगे। तो इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी की जो इम्पोर्टेंस है उसकी एक ख़ास वजह ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज हैं, इसका जो सिमेट्री के साथ कनेक्शन बनता है उस वजह से ग्रुप थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से नंबर्स को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का साइज मेजर करने के लिए, ठीक है, किसी भी यूनिट में, फॉर एग्जांपल किलोमीटर में, मीटर में, किलोग्राम में, ठीक है, हम नंबर्स को यूज़ करते हैं कि इस चीज़ का साइज इतना है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ में चेक करना हो कि ये कितनी सिमेट्रिकल है तो उसके लिए फिर हम ग्रुप्स को यूज़ करते हैं। तो किसी चीज़ की सिमेट्री को मेजर करने के लिए हम ग्रुप्स के साथ हेल्प लेते हैं। ग्रुप एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्री को मेजर करके देता है। जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना उसका जो ग्रुप ऑफ सिमेट्री है वो उतना ही बड़ा होगा, और अगर ग्रुप ऑफ सिमेट्री छोटा है तो वो चीज़ उतनी इरेगुलर होगी, उसमें सिमेट्री बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, विद ईच फिगर वी एसोसिएट ए ग्रुप, हम हर फिगर के साथ, ख़ास तौर पर ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ हम एक ग्रुप को एसोसिएट करते हैं और ये ग्रुप जो है वो फिर उसकी जो सिमेट्रीज हैं उसको करेक्टराइज करके देता है हमें। इसके अलावा सिमेट्री का एक और जो कनेक्शन है वो अलजेब्राइक इक्वेशंस में भी मिलता है। तो ग्रुप को हम किसी इक्वेशन के साथ एसोसिएट करते हैं और फिर उसकी जो एक ख़ास किस्म की सिमेट्रीज हैं उसके सॉल्यूशन से जो आती हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है और ग्रुप थ्योरी के साथ सिमेट्री का बड़ा इम्पोर्टेंट कनेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन की गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रुप के साथ किसी फिगर को अटैच करते हैं, ठीक है। यकदम तो हम नहीं पहुंच जाएंगे, इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली हम
हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से ऐसा मुमकिन है। तो इस हमारा जो असल सफर है वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज तक जाएगा और फिर वहां से आगे डाईहेड्रल ग्रुप तक जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें आइसोमेट्रीज को भी सीखना पड़ेगा। आइसोमेट्री जो है इसको ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है, ये खास तौर पे ज्योमेट्री का टॉपिक है आइसोमेट्री। आइसोमेट्री एक खास किस्म का फंक्शन होता है और इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये डिस्टेंस को प्रिजर्व रखता है, और ऐसे फंक्शन को हम आइसोमेट्री का नाम देते हैं। एन आइसोमेट्री ऑफ एन एन डायमेंशनल स्पेस आर एन, अगर हम यूक्लिडियन स्पेस लें आर एन, इसमें एन कोई भी हो सकता है, एन वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, अगर एन टू होगा तो ये प्लेन होगा, एन थ्री होगा तो स्पेस हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये एक फंक्शन होता है आर पावर आर एन से आर एन में, एक ऐसा फंक्शन है जो डिस्टेंस को प्रिजर्व करता है। डिस्टेंस को प्रिजर्व करने का मतलब है कि फंक्शन अप्लाई करने से पहले और फंक्शन अप्लाई करने के बाद कोई भी दो पॉइंट्स अगर लें तो उनका डिस्टेंस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दो पॉइंट पड़े हैं तो आप उनका डिस्टेंस नोट कर लें और फिर फंक्शन अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस नोट करें, वो सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस प्रिजर्व रहना चाहिए। तो जिस फंक्शन में ऐसी प्रॉपर्टी होगी उसको हम कहेंगे दिस फंक्शन इज एन आइसोमेट्री ऑफ आर पावर एन, ये आर एन की एक आइसोमेट्री होगी, ठीक है। और हम इसको जो है रिजिड मोशन का नाम भी देते हैं, आइसोमेट्री को बास बुक्स में रिजिड मोशन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और रिजिड मोशन या रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम भी दिया जाता है। तो वैसे अगर कोई फंक्शन हो ना आर एन से आर एन में वैसे ही, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं, लेकिन अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो आर एन से आर एन में ज्योमेट्री में जो भी फंक्शन होता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं, और अगर वो डिस्टेंस को भी प्रिजर्व करे तो फिर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये डिस्टेंस को प्रिजर्व करती है। तो इसके बाद इसी तरह अगर हम इधर आर स्क्वायर ले लें तो फिर यही डेफिनेशन बन जाएगी आइसोमेट्री ऑफ प्लेन की, कि प्लेन की आइसोमेट्री का क्या मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो प्लेन से प्लेन में डिफाइन हो और वो डिस्टेंस को प्रिजर्व करे। एन आइसोमेट्री ऑफ ए प्लेन इज ए फंक्शन फ्रॉम प्लेन टू इटसेल्फ दैट प्रिजर्व डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंसेस को चेंज ना होने दे, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे दिस इज एन आइसोमेट्री ऑफ प्लेन और प्लानर आइसोमेट्री, ठीक है, इसको प्लानर आइसोमेट्री भी बोलेंगे। तो अब जो है इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, आइसोमेट्री की एग्जाम्पल्स की तरफ अगर जाएं तो मेजर टाइप्स की जो, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में जो मेजर टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये आपके सामने लिखी हुई है। एक होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है, आप किसी चीज को स्लाइड कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। एक होती है रिफ्लेक्शन, आप किसी लाइन के अबाउट चीजों का मिरर इमेज ले लेते हैं या उन्हें फ्लिप कर देते हैं। तो ये जैसे ये वाली चीज पड़ी है तो इसको फ्लिप करेंगे, तो इसको फ्लिप करेंगे इसके अबाउट तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस लाइन के अबाउट। इसी तरह से रोटेशन अगर लें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी सेंटर पॉइंट या किसी भी पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद जो फिगर आएगी उसको ग्रीन ग्रीन कलर में शो किया गया है। तो कोई भी फिगर ले लें अपनी जगह पे वो पड़ी है और उसको सेंटर के अबाउट उसको घुमाएं रोटेट करें तो जो नई उसकी पोजीशन आएगी उसको ग्रीन से शो किया गया, न्यू पोजीशन, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये रोटेशन कहलाती है। इसी तरह डाइलेशन है कि अगर एक ट्राइंगल पड़ी है जैसे फर्ज करें या कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है तो इस पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इसका साइज बढ़ा देता है, इसको एक्सटेंड कर देता है या इसको साइज को छोटा भी कर देता है। तो ये ज्योमेट्री के अंदर मेजर टाइप्स की फोर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इन चारों में से जो आपको नजर आ रही हैं हम बताएंगे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिस्टेंस को चेंज नहीं होने देती, यानी अप्लाई करने के बाद चीज बड़ी छोटी नहीं होती, उसके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस उतना ही रहता है जितना पहले था। तो आप देखेंगे ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है डाइलेशन, ये आइसोमेट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस को प्रिजर्व नहीं करती। लेकिन ये बाकी ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन या रोटेशन है, ये आइसोमेट्रीज है, यानी ये आउट ये अप्लाई करने के बाद भी डिस्टेंस जो है पॉइंट्स का वो चेंज नहीं होता। मसलन
एक चीज का जो साइज पहले है वही बाद में रहता है, और उसके पॉइंट्स के दरमियान जो पहले डिस्टेंस है बाद में भी वही रहता है। तो इन फोर बेसिक्स टाइप्स में ये जो डाइलेशन है दिस इज नॉट एन आइसोमेट्री, और बाकी जो ये फंक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन या रोटेशन, ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी, आइसोमेट्री की। फिर ये एक बड़ा ही क्लासिकल थ्योरम है, 1831 में प्रूफ किया गया था कि प्लेन की जितनी भी आइसोमेट्रीज होती हैं वो इन चारों में से कोई ना कोई होगी। प्लेन के अंदर आर स्क्वायर की जितनी भी आइसोमेट्रीज होंगी वो इन चारों में से कोई ना कोई होगी, या वो रोटेशन होगी, या वो रिफ्लेक्शन होगी, या ट्रांसलेशन होगी, या ग्लाइड रिफ्लेक्शन होगी। रोटेशन क्या होती है, किसी भी चीज को अपने किसी पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट क्या करती है, कोई भी चीज पड़ी है उसको किसी लाइन के अबाउट हम फ्लिप कर लेते हैं। ट्रांसलेशन का भी आपको पता है कि उसको शिफ्ट कर देते हैं। और ग्लाइड रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसका शायद आपको ना पता हो, तो ग्लाइड रिफ्लेक्शन आपको बताते हैं कि ये तो आपको पता है ट्रांसलेशन में इस तरह होता है कि एक चीज पड़ी है इसको आपने ट्रांसलेट किया तो ये एज इट इज मूव हो गई। रिफ्लेक्शन में इस तरह से रिफ्लेक्शन होगी, इस लाइन के अबाउट इस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये उसकी नई शेप आ जाएगी। रोटेशन का ये मतलब है, जैसे इसको अगर मैं रोटेट करूँ इस पॉइंट के अबाउट तो ये रोटेट होके इस शेप में चला जाएगा। तो ये दोबारा बताया, ये ग्लाइड रिफ्लेक्शन आपके लिए नई चीज होगी। ग्लाइड रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए अगर आप रेत के ऊपर जब चलते हैं तो वो जो पाँव के निशान बन जाते हैं सैंड के ऊपर जब आप चलें, तो ये वाली जो मोशन होती है ये ग्लाइड रिफ्लेक्शन की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्लाइड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आप पहले जो है ट्रांसलेशन करते हैं फिर रिफ्लेक्शन करते हैं, इसमें दो तरह की मोशंस को आप कंपोज करते हैं। ग्लाइड रिफ्लेक्शन इज द कंपोजिशन ऑफ ए ट्रांसलेशन एंड ए रिफ्लेक्शन अक्रॉस द लाइन कंटेन्स द ट्रांसलेशन लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन है, इसके अबाउट आपने इसके पैरेलल मूव करना होता है, फिर इसके अबाउट आपने रिफ्लेक्ट करना है, फिर इसके पैरेलल मूव करना है, फिर रिफ्लेक्ट करना है। तो जब हम चलते हैं तो बिल्कुल यही पैटर्न होता है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देते हैं ग्लाइड रिफ्लेक्शन। इस तरह की मोशन को ग्लाइड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये कंपोजिशन होती है किसकी, दो चीजों की, ट्रांसलेशन की और रिफ्लेक्शन की। तो थ्योरम में यही बताया गया कि कोई भी अगर आइसोमेट्री होगी प्लेन के अंदर तो वो इनमें से कोई ना कोई होगी। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई होगी। और फिर इसके बाद आइसोमेट्री की बात हो रही थी, प्लेन की आइसोमेट्रीज को हम सिर्फ इस लेवल पे, एमएससी लेवल पे सिर्फ प्लेन्स के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। ऐसी हम सिर्फ प्लेन्स की के ऊपर जो है वो मोशंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ये एक थ्योरम है, बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है इसका, और इसका हम पहले तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये हमें बताता है कि जो आइसोमेट्री होती है ना आर एन की, ये एक परमुटेशन होती है। ठीक है, आर एन की, ये आर एन बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आर एन ना होता, कोई और होता, तो फिर जरूरी नहीं है ये परमुटेशन होती। जो आर पावर एन की आइसोमेट्री होती है, जो भी आइसोमेट्री क्या होती है, एक डिस्टेंस प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो उस डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा फंक्शन जो आर एन से आर एन में डिफाइन हो और वो फंक्शन अगर डिस्टेंस को प्रिजर्व करता है तो वो फिर बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे कि परमुटेशन का मतलब है कि ये आर एन से आर एन में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको पहले हम वन टू वन प्रूफ करते हैं। वन टू वन प्रूफ करने का क्या तरीका है, लेट एफ ऑफ पी इक्वल्स टू एफ ऑफ क्यू फॉर सम पॉइंट्स पी एंड क्यू फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है ये पॉइंट्स अगर बराबर हैं तो ये, क्योंकि यूक्लिडियन स्पेस हमने ली है ना, तो इसके ऊपर मीट्रिक स्पेस अगर आपने पढ़ी हुई है फंक्शनल में, तो इसके ऊपर जो है वो मीट्रिक डिफाइंड है। ठीक है, यूक्लिडियन मीट्रिक इसको कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा, जो पॉइंट सेम होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जीरो होता है। लेकिन एफ क्योंकि आइसोमेट्री है, और आइसोमेट्री हमें बताती है कि आप फंक्शन अप्लाई करके डिस्टेंस लें या वैसे लें बराबर आएगा, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू भी जीरो होगा। और अगर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जीरो है तो ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं, क्योंकि डी जो है ये एक मीट्रिक है, मीट्रिक फंक्शन।
और इसी तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव प्रूफ करना तो बहुत आसान था, लेकिन ऑन टू प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। और इसका प्रूफ जानने के लिए हमें और थ्योरीज को भी जानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कम्पैक्टनेस का पता होना चाहिए, जो कि फंक्शनल में आप पढ़ते हैं कि द स्पेस आर पावर एन इज ए कम्पैक्ट स्पेस। तो कम्पैक्टनेस का अगर पता होगा तो फिर हम प्रूफ कर लेंगे ये फंक्शन ऑन टू भी है। इसलिए इसका प्रूफ जो है वो हम स्किप कर देते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि हर आइसोमेट्री जो है वो ऑन टू नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम मैं ये फंक्शन लूँ जीरो इन्फिनिटी से जीरो इन्फिनिटी तक, अगर फंक्शन लें एक्स मैप्स टू एक्स प्लस टू, यानी ये फंक्शन ट्रांसलेशन है लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो हर इसमें स्पेस का बड़ा रोल है। ये फंक्शन का ऑन टू होना डिपेंड्स ऑन द स्पेस। यहाँ पे तो आर पावर एन था जो कि कम्पैक्ट स्पेस है, इसमें तो हो जाएगा, लेकिन हर स्पेस के ऊपर ये आइसोमेट्री ऑन टू नहीं होगी। ये हमें थोड़ा सा रिमार्क है। तो ये था इसका हमें मैसेज, ये इस थ्योरम का हमने ये मैसेज हासिल करना था कि जो आइसोमेट्री होती है आर पावर एन की यूक्लिडियन स्पेस की, वो एक परमुटेशन होती है। तो अब इसका मतलब है कि अगर हम पहले तो ये डेफिनेशन जरा रिकॉल करें नेक्स्ट थ्योरम पर जाने से पहले, हमें ये पता चल गया कि आइसोमेट्री भी एक परमुटेशन ही होती है। अब हम थोड़ा सा ये डेफिनेशन रिकॉल करते हैं कि अगर एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो तो उसकी तमाम परमुटेशंस का जो सेट होगा उसको सिमेट्रिक ग्रुप कहेंगे और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हमने पिछले शायद लेक्चर 16 में या 15 में, मुझे याद नहीं है, किसी लेक्चर में आप रिकॉल करके देखें, पढ़ा था। लेकिन अगर हमने पढ़ा था अगर एक्स फाइनाइट सेट हो तो फिर इसको एस एन से डिनोट करते हैं, अदरवाइज इसी तरह डिनोट करते हैं, इसको सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं ऑन एक्स। इसमें एक्स की परमुटेशन है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ एक्स। तो इस सिंबल को हमने इस थ्योरम में यूज करना है। इस थ्योरम में हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करेंगे कि अगर आर स्क्वायर की तमाम आइसोमेट्रीज को इकट्ठा कर लिया जाए कि सेट में, तो वो सेट इस सेट का सब ग्रुप बनेगा। यानी आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में दो नोटेशंस नजर आ रही हैं। एक नोटेशन कौन सी है, एक नोटेशन है सेट ऑफ ऑल आइसोमेट्रीज ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में जितनी भी आइसोमेट्रीज हैं उन सब की कलेक्शन। और एक नोटेशन है एस वाई एम ऑफ आर स्क्वायर, ये डिनोट करता है ऑल परमुटेशन ऑफ आर स्क्वायर, यानी सिमेट्रिक ग्रुप ऑन आर स्क्वायर। हमने प्रूफ करना है ये आइसोमेट्रीज की कलेक्शन इसका सब ग्रुप बनता है। तो इसके अंदर तमाम परमुटेशन है और हमने पीछे देख लिया है कि इसके एलिमेंट्स भी परमुटेशन ही होते हैं, लिहाजा ये क्लियरली इसका सबसेट होगा। और इसको नॉन एम्प्टी किस तरह हम इसको सब ग्रुप टेस्ट लगा के सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, और हम जो है यहाँ पे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज करेंगे। और यहाँ पे हम टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की मदद से इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसको नॉन एम्प्टी शो करेंगे, हम देखेंगे कि ये तो हमें पहले ही पता है ये ग्रुप है, तो इसका जो आइडेंटिटी फंक्शन है यानी आइडेंटिटी परमुटेशन है तो वो क्लियरली आइडेंटिटी परमुटेशन तो कोई भी चेंज नहीं लेके आती, डू नथिंग, ये हर एलिमेंट को अपने आप पे मैप करती है। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइसोमेट्री का काम भी करेगा, ये डिस्टेंस को भी तो प्रिजर्व करेगा ना, लिहाजा देयरफॉर जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसके अंदर वो एक आइसोमेट्री होगी और देयरफॉर आइडेंटिटी फंक्शन आई एस ऑफ आर स्क्वायर में भी बिलोंग करेगा, तो ये सेट फिर नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी परमुटेशंस पड़ी है वो इन पर्टिकुलर एक आइसोमेट्री भी होती है, तो वो इसलिए इस छोटे सेट में बिलोंग कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आई एस ऑफ आर स्क्वायर, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री, अगर हम अल्फा, हमने प्रूफ करना है कि अल्फा कंपोजिशन बीटा भी इसके अंदर आता है, और इस सेट के अंदर आने के लिए क्या शर्त है कि जो फंक्शन डिस्टेंस को प्रिजर्व करेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में वो आइसोमेट्री होगा, वो इसमें आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा जो है वो आइसोमेट्रीज हैं आर स्क्वायर की, यानी कि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में फंक्शन है और डिस्टेंस को प्रिजर्व करते हैं, तो हम इनकी कंपोजिशन को अगर देखें वो भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में फंक्शन होगा, और इसको अगर
इस अल्फा कंपोजिशन बीटा को मैं किसी पॉइंट पी पे अप्लाई करूं और क्यू पे अप्लाई करूं और फिर डिस्टेंस ले लूं, तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, इसको अल्फा कंपोजिशन बीटा अप्लाई कर देंगे। फिर अगले स्टेप में, क्योंकि अल्फा एक आइसोमेट्री है, अल्फा क्योंकि आइसोमेट्री है इसलिए यहाँ पे मैं अल्फा अप्लाई करूं या ना करूं डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये स्टेप किस तरह हुआ है, क्योंकि अल्फा आइसोमेट्री है, अल्फा अप्लाई करके डिस्टेंस लें या अल्फा अप्लाई किए बगैर डिस्टेंस लें वो बराबर रहेगा, इसलिए ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। और अगले स्टेप में हम यूज करेंगे, क्योंकि बीटा जो है वो आइसोमेट्री है, बीटा अप्लाई करके डिस्टेंस लें या अप्लाई किए बगैर डिस्टेंस लें वो बराबर आएगा। तो हमने जो है इनडायरेक्टली प्रूफ कर दिया कि आप अल्फा कंपोजिशन बीटा अप्लाई करके डिस्टेंस लें या वैसे लें वो बराबर आएगा, लिहाजा अल्फा कंपोजिशन बीटा प्रिजर्व्स द डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज एन आइसोमेट्री। तो बच्चों अब हम इसके बाद जो सेकंड स्टेप लगाते हैं, हम क्या करेंगे, एक अल्फा एक आइसोमेट्री लेते हैं और प्रूफ करते हैं इसका इनवर्स भी आइसोमेट्री है। आइसोमेट्री के लिए क्या शर्त होगी कि वो डिस्टेंस को प्रिजर्व करेगा। अब अल्फा क्योंकि आइसोमेट्री है आर स्क्वायर की, तो इसका मतलब है कि अल्फा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक फंक्शन है, और इसका जो अल्फा क्योंकि परमुटेशन है हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, लिहाजा इसका जो इनवर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक फंक्शन होगा। तो अब हम इसको अप्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि जो अल्फा है वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक आइसोमेट्री है, इन पर्टिकुलर ये बाइजेक्टिव भी है, अगर ये बाइजेक्टिव है तो फिर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में होगा। और हमने अब इस इनवर्स को प्रूव करना है कि ये इनवर्स जो है ये भी डिस्टेंस को प्रिजर्व करेगा। वो किस तरह, हम कोई दो पॉइंट लेते हैं पी और क्यू, उनके ऊपर अल्फा इनवर्स अप्लाई कर देते हैं और डिस्टेंस ले लेते हैं। अगले स्टेप में, क्योंकि अल्फा आइसोमेट्री है, अल्फा इनवर्स का तो नहीं अभी पता आइसोमेट्री है कि नहीं है, लेकिन अल्फा का तो पता है ना, तो अल्फा अप्लाई कर देते हैं, इस पे अल्फा अप्लाई करें और इस पे भी अल्फा अप्लाई करें, तो अल्फा अप्लाई करके डिस्टेंस लें या बगैर अप्लाई किए लें वो बराबर होगा। और अगले स्टेप में इसकी जगह पे फिर हम क्या कर देंगे, इसको कंपोजिशन में लिख लेंगे और ये कंपोजिशन मिलके आइडेंटिटी हो जाएगा और ये पी क्यू आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें पता चला अल्फा इनवर्स अप्लाई करें या ना करें डिस्टेंस बराबर आता है, देयरफॉर अल्फा इनवर्स प्रिजर्व द डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज एन आइसोमेट्री। तो प्रूफ हो गया कि ये जो सेट है आइसोमेट्रीज का सेट है, ये इसका सब ग्रुप है। तो अब बच्चों बात ये है कि इस चीज का तो हमें पहले ही पता था ये तो ग्रुप है, अब हमें ये पता चल गया कि आइसोमेट्रीज का सेट भी एक ग्रुप बनता है। तो अगर किसी भी आर स्क्वायर की या आर क्यूब की या आर फोर की या आर पावर एन की कोई भी, इसको आर पावर एन के लिए भी प्रूफ किया जा सकता था, यानी हो अगर आर स्क्वायर की तमाम आइसोमेट्रीज का की कलेक्शन लें तो ये भी एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो आइसोमेट्रीज ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन होते हैं। तो आपने एक और एग्जाम्पल देख लिया ग्रुप की आज के लेसन में, कि अगर किसी भी आर स्क्वायर आर क्यूब या किसी भी आर पावर एन की तमाम आइसोमेट्रीज की कलेक्शन लें तो वो भी एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप इस ग्रुप का सबसेट होता है, इसमें कंटेन करता है, इसका सब ग्रुप होता है। तो ये एक बड़ा हमने इम्पोर्टेंट थ्योरम, इसको प्रूफ करना आपको आना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, और अब हमने ये नतीजा निकला कि इस, क्योंकि इस ग्रुप के भी एक ग्रुप है, ठीक है, और हमने आपको याद हो एक लेक्चर में बात की थी कि अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट्स परमुटेशंस पे मुश्तमिल हों तो ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं परमुटेशन ग्रुप। तो लिहाजा उस डेफिनेशन के मुताबिक ये भी एक परमुटेशन ग्रुप है ऑन आर स्क्वायर, क्योंकि इसका हर एलिमेंट एक परमुटेशन है। ठीक है, इसका हर एलिमेंट एक परमुटेशन है, ये सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर है, लिहाजा ये भी एक परमुटेशन ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अभी तक हमने आइसोमेट्री की बात की है। अब आते हैं असल चीज की तरफ जिसके लिए हम जो है रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, हमारा असल मकसद जो है वो सिमेट्रीज तक पहुंचना था। व्हाट इज अ सिमेट्री, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्री क्या होती है, आराम से मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें एस कोई सबसेट है आर पावर एन का, आर पावर एन हमारी स्पेस है, इसमें एन जो मर्जी हो, एन वन होगी तो ये रियल लाइन है, एन टू होगा तो ये प्लेन है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, इस कोई भी सबसेट ले लें इसके अंदर, ठीक है, तो
फिर आप इसकी कोई आइसोमेट्री ले लें। आइसोमेट्री क्या होती है कि आपको पता है आइसोमेट्री क्या होती है? एक ऐसा फंक्शन होता है आर एन से आर एन में जो के डिस्टेंस को प्रिजर्व करता है, ठीक है। और अगर हम इसका कोई सबसेट लें एस, ठीक है, और ये फंक्शन अगर हम एस पे अप्लाई करें और हमें ये आउटपुट में एस पे इसको मैप, एस को दोबारा एस पे ही मैप करें, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री ऐसा फंक्शन होता है जो आइसोमेट्री हो आर पावर एन की, और वो जब इस एस के ऊपर अप्लाई करें तो एस को वो दोबारा एस पे ही मैप करे, कहीं और मैप ना करे, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ये सिमेट्री है। सिमेट्री इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आइसोमेट्री, ठीक है। सिमेट्री जो है ये मोर स्ट्रॉन्गर है आइसोमेट्री, और ये इस ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। आइसोमेट्री जो होती है वो हम इस सबसेट की फाइंड करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिमेट्री जो है, आइसोमेट्री तो हमने कहा था आर एन की होती है बड़ी स्पेस की, लेकिन सिमेट्री सबसेट की होती है। जो सबसेट हम लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं ना किसी भी स्पेस में, तो उसकी सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर ऐसी आइसोमेट्री आर एन की जो इसको इसी पे मैप करे, उसको हम नाम देते हैं सिमेट्री का। तो हम इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रिजर्व्स, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो दो चीजों को प्रिजर्व करे, डिस्टेंस को भी प्रिजर्व करे और ऑब्जेक्ट को भी प्रिजर्व करे। यानी जिस ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें तो ये दोबारा उसको उसी पे मैप करे, तो इसको हम नाम देते हैं इस कॉल्ड सिमेट्री ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मसलन फर्ज करें, मेरे पास एक ये फर्ज करें, मेरे पास प्लेन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में। इस प्लेन के अंदर फर्ज करें मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, और इस ट्राइंगल को मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसको जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तो अब ये जो ट्रांसलेशन जो मैप फंक्शन है वो आइसोमेट्री तो होती है, लेकिन वो इस ट्रायंगल को इस अपने आप पे मैप नहीं कर रही, कहीं और फेंक रही है। इसलिए ट्रांसलेशन इज नॉट एन सिमेट्री, ट्रांसलेशन सिमेट्री नहीं होगी। तो लेकिन अगर मैं इसको घुमाऊंगा और घुमा के ये वापस अपने पहले वाली हालत में आ जाए वापस, यानी वापस अपने ऊपर ही मैप हो जाए, अगर किसी ट्राइंगल को फर्ज करें मैं रोटेट करता हूँ, किसी पॉइंट फर्ज करें मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ प्लेन के अंदर, इसको सेंटर के अबाउट में घुमाता हूँ और ये दोबारा अपने ऊपर ही मैप हो जाएगी। यार ऐसे करें, इसको यहाँ से काट के निकाल लें, निकाल के इसको घुमाएं और घुमा के वापस अपनी जगह पे फिट अगर कर दें, तो इसका मतलब है ये जो काम हमने किया रोटेशन वाला, ये एक सिमेट्री है। सिमेट्री ऐसा फंक्शन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को वापस उसी पे मैप करे, कहीं और मैप ना करे। तो ऐसे फंक्शन को हम सिमेट्री का नाम देते हैं। ये दो काम करता है, एक तो ये डिस्टेंस को भी प्रिजर्व करता है, यानी आइसोमेट्री होती है, और प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, ये ऑब्जेक्ट को अपने आप पे भी मैप करता है, ठीक है। यानी दैट इज दैट मैप्स एस टू इटसेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्री। मिसाल के तौर पे इसकी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, हम बड़ी तफसील से इसको स्टडी करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ये डेफिनेशन थी सिमेट्री होती क्या, ये आइसोमेट्री होती है आर एन से आर एन में और ये डिस्टेंस को प्रिजर्व करती है। अगर हम प्लेन के अंदर आए तो प्लेन के अंदर सिमेट्री क्या होती है, अगर हम प्लेन में कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लें, सिमेट्री ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, अगर प्लेन का कोई सबसेट लें तो उस सबसेट की सिमेट्री का क्या मतलब है, एक ऐसी आइसोमेट्री होगी जो इसको वापस इसी पे मैप करेगी। तो ऐसे इसको फिर हम कहेंगे दैट प्रिजर्व एस, दैट इज दैट मैप्स एस टू इटसेल्फ, सिमेट्री ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स एस इन द प्लेन इज ए प्लेनर आइसोमेट्री। ये प्लेन की एक आइसोमेट्री होगी और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन ये क्या होगी कि एस को वापस एस पे मैप करे, कहीं और मैप ना करे, यानी एस को प्रिजर्व करे, तो फिर ये सिमेट्री बन जाएगी। सिमेट्री क्या होती है, आइसोमेट्री होती है प्लस इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि ये ऑब्जेक्ट को वापस अपने आप पे मैप करे, प्रिजर्व करे, ठीक है। और नीचे एक रिमार्क लिखा हुआ है कि हर सिमेट्री एक आइसोमेट्री होती है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ठीक है। सिमेट्री में दो बातें होती हैं, सिमेट और आइसोमेट्री में एक ही प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्री में दो प्रॉपर्टीज हैं, सिमेट्री जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी है तो
वो उसमें दो बातें होनी चाहिए, वो डिस्टेंस को भी प्रिजर्व करती है और ऑब्जेक्ट को भी प्रिजर्व करती है, लेकिन आइसोमेट्री सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस को प्रिजर्व। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो है वो हम काफ़ी सारी एग्जांपल इसकी स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स लेके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जांपल्स आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स ही मिले। तो मिसाल के तौर पे अगर आप फ़र्ज़ करें ये वर्ड लेते हैं और इसको अगर आप इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखें, इसको अगर आप रिफ्लेक्ट करें इसके अबाउट यानी फ्लिप करें, तो ये ए ए पे चला जाएगा, टी टी पे, ओ ओ पे, तो दोबारा आपको आउटपुट में यही वर्ड मिलेगा। इसका मतलब है इस लाइन के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम सिमेट्री का नाम दे सकते हैं। सिमेट्री एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस उसी पे मैप कर दे। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी तरह नंबर्स के दरमियान अगर हम बात करें, तो ये जो नंबर है आपके सामने नजर आ रहा है, इसको भी अगर आप वर्टिकल लाइन, इस लाइन के अबाउट इसको अगर रिफ्लेक्ट करें आप अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो ये नंबर भी आपको जो है वो दोबारा अपने आप पे मैप हो जाएगा। ये 8 8 के ऊपर चला जाएगा, 0 0 पे। तो ऐसे ऐसी जो रिफ्लेक्शन होगी, ऐसी जो मूवमेंट होगी, ऐसा फंक्शन होगा, इसको हम सिमेट्री का नाम देंगे। तो स्टार्ट में हमने ये सिर्फ दो सिंपल सी एग्जांपल्स देखी हैं। आप इस तरह के और वर्ड्स भी तलाश कीजिएगा और नंबर्स भी तलाश कीजिएगा जो हमें, जिस तरह एक वर्ड है, अगर आप मॉम का वर्ड लें, MOM, ठीक है, इस तरह अगर आप ये वाला वर्ड लें MOM, मॉम, ये भी आपको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो दोबारा ये वर्ड अपने आप पे मैप होगा। तो इस ऐसे वर्ड्स आप मज़ीद तलाश कीजिएगा और नंबर भी तलाश कीजिएगा। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का लेसन, तो इसको आप अच्छी तरह से ज़रा रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।